हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। विवादित पेचिका के सामने ग्रामीण हुए इकट्ठा, सार्वजनिक पेचिका विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। जैन समाज कोर्ट आदेश पर विवादित सार्वजनिक पेचिके में पुलिस इमदाद के साथ घुसना तथा पंचायत से निर्माण स्वीकृत लेकर निर्माण करवाना चाहता है, तो समग्र गांव जोधपुर हाईकोर्ट संभागीय आयुक्त जोधपुर व रेवेन्यू विभाग में चल रहे मामले के निर्णय का इंतजार करने की मांग कर रहे हैं। विवादित पेचिके में प्रवेश पर अशांति पैदा होने पर सारी जिम्मेदारी पुलिस व प्रशासन पर थोप रहे हैं। रविवार अपराह खंड अधिकारी रामजी भाई कलबी की अगुवाई में मंडार उप तहसील कार्यालय में गांव के मौजूद लोगों के बीच हुई बैठक हुई थी। सोमवार सुबह विवादित सार्वजनिक पेचिके के बाहर पंचायत की जगह पर गांव के लोग एकत्रित हुए, जहां रेवदर तहसील जगदीश विशोई, मंडार थाना प्रभारी अशोक सिंह, नायब तहसीलदार जब्बर सिंह चारण, रेवदर थाना प्रभारी कपूरा राम के साथ जाप्ता भी आ गया। अचानक भारी पुलिस बल देखकर लोगों ने नाराजगी जताई। चर्चा शुरू होने के पहले ही पुलिस ने बिना अनुमति के एकत्रित होने पर नाराजगी जताई और कहा वे उपखंड अधिकारी से स्वीकृति लेकर ही विवादित जगह के आगे एकत्रित हो गए। लेकिन सरपंच देवड़ा ने पुलिस को बताया पंचायत की भूमि पर बैठकर गांव की समस्या पर चर्चा कर सकते हैं। गांव के मौजूद लोग बैठक सरपंच पर्वत सिंह देवड़ा, सुमेर सिंह देवड़ा, महावीर सिंह, शिवराज सिंह, सतीश भाई अग्रवाल, चंदन सिंह परिहार, इब्राहिम खान भाटी, सिकंदर खान भाटी, नरोत्तम अवस्थी, उप सरपंच देवी सिंह, अजय टाक, नरभाराम पुरोहित, देवाराम पटेल, भलाराम चौधरी, ललित श्रीमाली, लवजी राम, शहजाद भाटी, कालू भाटी, शकूर भाटी समेत दर्जनों लोग पहुंचे, जहां तहसीलदार विशोई ने हाईकोर्ट के एक आदेश पर चर्चा की। लेकिन कमेटी व गांव के लोगों ने निर्णय आने तक यथावत रखने को कहा। सरपंच देवड़ा, सुमेर सिंह देवड़ा, महावीर सिंह देवड़ा, शिवराज सिंह देवड़ा, सतीश अग्रवाल ने कहा मामलों को इंतजार करें, फैसला आने के बाद ही पेच का खोला जाए, जब तक रखा जाए, निर्णय के पूर्व अंदर कोई प्रवेश नहीं करे, ऐसा करने पर होने वाली शांति भंग का जिम्मेदार प्रशासन रहेगा। सरपंच ने कहा कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है कि जैन समाज को पेचिके में प्रवेश दिया जाए। तहसीलदार ने समझाया उन्होंने कमेटी व ग्रामीणों की बात जिला कलेक्टर व उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का भरोसा दिलाया। बाद में बैठक को खत्म किया गया। जागरूक टीवी के मंडार से अशरफ भाटी की रिपोर्ट।